एक जंग हुई थी जिनके ये आखिरी जिंदा योद्धा है। Godzilla versus नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल AKB मीडिया में एक बार फिर से। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे इस हफ्ते की रिलीज हुई हॉलीवुड फिल्म Godzilla versus Kong के शुरुआती दो दिनों के ऑल इंडिया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। साथ ही साथ दोस्तों बात करेंगे पिछले हफ्ते की रिलीज हुई बॉलीवुड की फिल्म मुंबई सागा के शुरुआती 7 दिनों के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। और आपको बताएंगे दोस्तों कि मुंबई सागा और Godzilla versus Kong फिल्म ने अब तक बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ की कमाई की और इसमें से कौन सी फिल्म हिट रही और कौन सी हो चुकी है फ्लॉप। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें पिछले हफ्ते की रिलीज हुई एक्शन ड्रामा फिल्म मुंबई सागा के बारे में, तो दोस्तों संजय गुप्ता के डायरेक्शन में बनी मुंबई सागा फिल्म, जिस फिल्म के लीडिंग स्टार कास्ट में हमें देखने को मिले थे जॉन अब्राहम, इमरान हाशमी, सुनील शेट्टी और काजल अग्रवाल। फिल्म का बजट था लगभग 70 करोड़ रुपए और इस फिल्म को 2000 से भी ज्यादा स्क्रीन में रिलीज किया गया था। अब आपको बताना चाहेंगे दोस्तों मुंबई सागा फिल्म ने रिलीज होते ही अपने पहले दिन ऑल इंडिया नेट कलेक्शन किया था 2,80,00,000 रुपए का, दूसरे दिन कमाए थे 2,40,00,000 रुपए, तीसरे दिन 3,50,00,000 रुपए, वही चौथे दिन 1,50,00,000 रुपए, वही पांचवे दिन फिल्म का कलेक्शन आया था 1,45,00,000 रुपए और छठे दिन फिल्म ने कमाए थे लगभग 80,00,000 रुपए, वही सातवें दिन मुंबई सागा फिल्म का ऑल इंडिया नेट कलेक्शन आ रहा है लगभग 60,00,000 रुपए। इसी के साथ दोस्तों मुंबई सागा फिल्म का शुरुआती 7 दिनों में ऑल इंडिया से नेट कलेक्शन हो चुका है 13,05,00,000 रुपए, वही ऑल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन इस फिल्म का हो चुका है 19,50,00,000 रुपए। बताना चाहूंगा दोस्तों मुंबई सागा फिल्म ने अभी तक ओवरसीज मार्केट से टोटल ग्रॉस कलेक्शन किया है 3,50,00,000 रुपए का। इसी के साथ दोस्तों मुंबई सागा फिल्म का शुरुआती 7 दिन यानी कि पहले हफ्ते में वर्ल्ड वाइड टोटल ग्रॉस कलेक्शन हो चुका है 23 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, मुंबई सागा फिल्म अपने पहले हफ्ते में वर्ल्ड वाइड 23 करोड़ रुपए का ग्रॉस कलेक्शन कर चुकी है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि मुंबई सागा फिल्म का बजट जहां 70 करोड़ रुपए है और फिल्म ने पहले हफ्ते में वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन सिर्फ 23 करोड़ रुपए किया है, यानी कि मुंबई सागा फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हो चुकी। वही दोस्तों अब अगर बात करें हॉलीवुड की बिग बजट फिल्म Godzilla versus Kong के बारे में, तो दोस्तों Godzilla versus Kong फिल्म को आज बॉक्स ऑफिस पर दूसरा दिन चल रहा है। आपको बताना चाहेंगे दोस्तों Godzilla versus Kong फिल्म को ऑल इंडिया में लगभग 1100 स्क्रीन में रिलीज किया गया है और Godzilla versus Kong फिल्म इंडिया में 4 लैंग्वेज में रिलीज हुई है, तेलुगु, तमिल, हिंदी और इंग्लिश। और दोस्तों इस फिल्म ने रिलीज होते ही अपने पहले दिन बॉलीवुड की तरफ से एक बड़ी बम्पर ओपनिंग ली है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि Godzilla versus Kong फिल्म की जो पहले दिन की ओपनिंग है वो जॉन अब्राहम की फिल्म मुंबई सागा से भी ज्यादा है और रूही फिल्म से भी कई गुना ज्यादा है। अगर बात की जाए कि यहाँ पे Godzilla versus Kong फिल्म ने अपने पहले दिन हर लैंग्वेज में कितने करोड़ की कमाई की, तो दोस्तों आपको बता दें कि Godzilla versus Kong फिल्म ने अपने पहले दिन हिंदी वर्सन में सिर्फ 30,00,000 रुपए कमाए हैं। लेकिन दोस्तों Godzilla versus Kong का जो इंग्लिश वर्जन है उसने ऑल इंडिया में लगभग 3 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन पहले दिन किया है। साथ ही साथ दोस्तों Godzilla versus Kong ने अपने पहले दिन तमिल और तेलुगु में लगभग 1 करोड़ रुपए की कमाई की है। इसी के साथ दोस्तों Godzilla versus Kong ने अपने पहले दिन चारों भाषाओं में ऑल इंडिया नेट कलेक्शन पहले दिन किया है लगभग 4.5 करोड़ रुपए की रेंज में। और आपको बता दूं दोस्तों कि Godzilla versus Kong फिल्म को पब्लिक की तरफ से इतने शानदार रिव्यूज मिले हैं कि फिल्म के जो दूसरे दिन के कलेक्शन है वो भी काफी बढ़िया आ रहे हैं और फिल्म को दूसरे दिन शुरू के मॉर्निंग वाले शोज में ही काफी बढ़िया ऑक्यूपेंसी देखने को मिली है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि Godzilla versus Kong को दूसरे दिन तेलुगु वर्जन में मॉर्निंग शोज में ऑक्यूपेंसी मिली है 24% की, वही तमिल वर्जन में 13% की और हिंदी वर्जन में 12% की। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि Godzilla versus Kong को अपने दूसरे दिन मॉर्निंग वाले शोज में इंग्लिश वर्जन में ऑक्यूपेंसी मिली है 28% की। तो दोस्तों जिस तरह Godzilla versus Kong फिल्म को दूसरे दिन मॉर्निंग शोज में ऑक्यूपेंसी मिली है उसे देखते हुए लग रहा है कि Godzilla versus
वर्सेस कोंग फिल्म अपने दूसरे दिन भी ऑल इंडिया नेट कलेक्शन लगभग 4 करोड़ के रेंज में कर पाएगी। इसके साथ दोस्तों गोडजिला वर्सेस कोंग फिल्म का शुरुआती 2 दिनों में ऑल इंडिया नेट कलेक्शन हो रहा है लगभग 8.5 करोड़ रुपए की रेंज में। वही दोस्तों इस फिल्म का शुरुआती 2 दिनों में ऑल इंडिया ग्रोस कलेक्शन 10 करोड़ के भी ऊपर जा रहा है। अब आपको बता दे दोस्तों गोडजिला वर्सेस कोंग फिल्म के जो इंडियन थिएट्रिकल राइट्स है वो बिके थे 15 करोड़ में, यानी कि इस फिल्म को इंडिया में हिट होने के लिए मिनिमम 20 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन करना होगा। अब फिल्म ने जहां सिर्फ 2 दिनों में ही 8.5 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन कर लिया है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि कल संडे होने की वजह से फिल्म के कलेक्शन और भी बढ़ेंगे और आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कम से कम 20 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन करके इंडियन बॉक्स ऑफिस पर हिट हो चुकी होगी। वैसे दोस्तों अगर आपने गोडजिला और मुंबई सागा दोनों ही फिल्में देखी तो इसमें से आपको सबसे बेस्ट फिल्म कौन सी लगी हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और आपके अपने इस चैनल AKB मीडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें।